हमले में शहीद परिजनों के घर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज बब्बर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, जहां सभी राजनेताओं ने शहीद के परिजनों को सांत्वना दी और शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राहुल गांधी ने शहीद प्रदीप व शहीद अमित के परिवार से भी बातचीत की, जहां राहुल गांधी ने अपने पिता की हुई हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें शहीद के परिजनों का दुख मालूम है क्योंकि उन्होंने भी वह दुख देखा है और वह शहीद के दुख के साथ पूरी तरह खड़े हैं। वहीं राहुल गांधी ने शहीद प्रदीप के बेटे सिद्धार्थ से उनके कैरियर को लेकर चर्चा की, जिसमें राहुल गांधी ने सिद्धार्थ से उनकी पढ़ाई को लेकर पूछा कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, इसको लेकर बातचीत की। यही नहीं, राहुल गांधी ने शहीद प्रदीप के बेटे सिद्धार्थ को अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि कभी भी उन्हें किसी भी तरह की आवश्यकता हो तो वह उनसे संपर्क करें। करीब 30 मिनट तक शहीद प्रदीप व शहीद अमित के परिवार से मिले, जिसके बाद सभी राजनेता दिल्ली के लिए रवाना हो गए। भैया यहाँ यहाँ भैया यहाँ हम दुख में आए हैं, तो मैं आज आपसे बात नहीं करूँगा, धन्यवाद। सर क्या शहीद के घर जाओगे? प्रदीप शहीद, राहुल गांधी आज आपसे मिलने के लिए आए थे, क्या कहा, क्या क्या कहकर गए राहुल गांधी? राहुल गांधी जी ने मुझे समझाया कि मुझे इस समय में अपने परिवार को कैसे संभालना चाहिए, कैसे उनकी मदद करनी चाहिए आने वाले टाइम में। उन्होंने कहा है कि जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहेंगे। तो बस उन्होंने मुझे यही समझाया कि इस समय में मुझे अपने परिवार को एक साथ लेकर चलना है, उनको संभालना है और कमजोर नहीं पड़ना। क्या किसी तरह की घोषणा राहुल गांधी के द्वारा यहाँ आश्वासन दिया गया? आश्वासन कोई दिया गया नहीं, किसी तरह की घोषणा तो मेरे सामने तो उन्होंने अभी तक नहीं की। संपर्क किस तरह से किया जाएगा? संपर्क किस तरह करेंगे आप अगर कभी? उन्होंने मुझे नंबर दिया है अपने सेक्रेटरी का कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उस पर कॉल करके, कुछ भी हो, कोई छोटी से छोटी बात भी हो, उससे भी तब भी मैं अगर बात करना चाहूँ तो वो बात करें। अच्छा, परिवार के और लोगों से भी उन्होंने बात की है? जी, उन्होंने प्रियंका गांधी भी थी वो जी। क्या कहा है उन्होंने? बस यही समझाया है कि अगर तुम अपने यही पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैंने कहा कि मुझे सीए बनना है। तो उन्होंने पूछा कि तुम स्कूल में क्लास में कैसा परफॉर्म करते हो, ऐसे आई एम अ टॉपर ऑफ द क्लास। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ये हो तो तुम वही बनो जो तुम्हारे पापा चाहते थे, अपने सीए को आगे परस्यू करो और मेहनत से पढ़ो।